अब हम लोग जो अभी ये बेसिक्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे एक काफ़ी इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जिस टाइप का आता है जेई मेंस वगैरह में, तो ये तो बेसिक है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसी के बेसिस पे हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे तो वो सब में इससे हेल्प होगा। तो एक बेसिक हम क्वेश्चन एक करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ऐसा कि x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें दिया हुआ है t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो हमें इस बीच में ना एवरेज वेलोसिटी निकालना है। और पहला तो कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है इस टाइम पीरियड में। और सेकेंड पार्ट है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ये दोनों चीज़ें हम अभी निकालेंगे इसमें। तो अब देखो हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। तो अब हम इसको t इक्वल्स टू 0 टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब एक्स आई इनिशियल, जब t इक्वल्स टू 0 था तो पार्टिकल का पोजीशन क्या था, तो 0 0 10, तो 10 हो गया। और एक्स एफ फाइनल पोजीशन क्या था जब t इक्वल्स टू 2 था, तो 2 दुनी 4, 8 4 12 10 22, 10 मीटर या 22 मीटर, ये मीटर में है। तो ये हो गया। तो अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से इंडिकेट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टाइम। जैसा कि हम बताए थे एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि मतलब दो पार्टिकल बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा है, तो 2 सेकेंड लगा है। और ये हो गया 22 माइनस 10 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम सेकेंड में था और ये मीटर में था, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेरा जो इक्वेशन था टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10 एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10 था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा टी प्लस 4, और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये सब आप बेसिक बेसिक फिजिक्स में पढ़े होंगे। ये जब x टू दी एक्स स्क्वायर का डी एक्स करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आगे आ जाता है 2x to the power 1 होता है। तो यहाँ पे 2t और 4 प्लस 10 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। और ये डी वी बाई डी टी ये वेलोसिटी होता है, तो v इक्वल्स टू 2t प्लस 4, ये आ गया मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा था एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। तो 2 सेकेंड, तो हम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा वी इक्वल्स टू 2 × 2 + 4 इक्वल्स टू 2 × 4 = 8।
तो 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी होगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन में हमसे एक्सेलरेशन पूछे रहा था, तो फिर हम इस इक्वेशन को डी वी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते, वो एक्सेलरेशन हो जाता, वो हो जाता सिंपली 2। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन है जिसके कारण देखो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो जब जियो से 2 सेकेंड के लिए देख रहे थे तो उसमें एवरेज आ रहा था पूरा का एवरेज वेलोसिटी, लेकिन जब हम 2 सेकेंड पे देख रहे हैं तो वो 8 आया, तो जैसे पहले से 6 से ज़्यादा आया, तो मतलब ये ऐसे काम करता है। और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।